अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। तो मैं अभी आपके लिए लेके आई हूँ, आपको मैं बताऊँ कि किस तरह से बिरयानी को बनाना है। ये पाकिस्तान की फेमस डिश है बिरयानी, ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस है। तो चलिए मैं अभी आपको बताऊँ कि किस तरह से हमने ये बिरयानी जो है इसको हमने बनाना है। अगर आपने 1 kg आपने राइस लेनी है तो आपने 2 kg जो उसमें मीट डालना है, कोई भी, चाहे मीट हो, गोट हो, बीफ हो या चिकन हो, आपने जितने आपके हाफ मकदार में आपके राइस होने हैं उससे डबल आपका मीट होना चाहिए। तो अभी जो है ये मैंने 1/2 kg में राइस लूँगी और ये 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ये चिकन है, और टमाटो और योगर्ट, ये गार्लिक एंड जिंजर। तो ये जो है ये इसमें डालने के लिए काली मिर्च, सुरख मिर्च और ये लौंग और वो सूखा हुआ जो खुबानी, सूखा आलू बहारा। और इसको जो है ये वैसे तो मैं जो ये घर के जो स्पाइस है मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर वो भी यूज़ करनी है तो वो भी बहुत आसान है, लेकिन मैं इसमें क्योंकि आजकल बहुत इजी है, आप जस्ट जो सिंपल वो आप बिरयानी मसाला, चिकन मसाला, कोई भी मसाला ले लें वो इजी आप ऐड कर लें, लेकिन तरीका यही है। अभी मैं जो ये स्पाइस है बिरयानी की ये यूज़ करूँगी बिरयानी का मसाला। सबसे पहले आपने जो वो ऑनियन है वो लेने हैं, मैंने ऑनियन लिए और मैंने इसको ब्राउन कर लिया, हमारी ऑनियन ब्राउन है। इसमें मैं अब वो जो चिकन है इसको ऐड कर लूँगी। सबसे पहले आपने ऑनियन लेने हैं और उसमें आपने जो चिकन है उसको, ऑनियन जो है वो आपने ब्राउन कर लेने हैं 2 onion, और चिकन जो है फिर आपने उसमें ऐड करना है सबसे पहले, और जब चिकन हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर आपने दूसरे जो इन्ग्रीडियंट्स है वो डालने हैं। अभी मैंने दूसरी तरफ जो है वो राइस रख दिए हैं, राइस का वो वाटर रख दिए। तो अभी इसमें जस्ट हमने जो है वो सिंपल जो राइस हैं वो बॉईल करने हैं, राइस थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, तो फिर आपने जो है वो पानी उनका अलग कर लेना है और राइस जो है वो अलग कर लेने हैं। तो अभी हम जो है इनको इसको जो ये चिकन है इसको हल्का सा भी अभी से इसको ज़रा ब्राउन कर लेंगे, अभी हमने कुछ भी नहीं ऐड करना इसमें जब तक ये ब्राउन नहीं होता। और इसके बाद फिर हम जो है वो जो टमाटो और थोम और अदरक की जो पेस्ट है वो डालेंगे, अगर आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश डालें, और अगर आपके पास पेस्ट है आप पेस्ट डालें, लेकिन आपने जो है वो गार्लिक और जिंजर ही वो डालना है 2 teaspoon, और 2 teaspoon में योगर्ट। तो इसमें हम अभी जो है वो थोड़े से लौंग वो डालेंगे, इसमें कड़ी पत्ते की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कड़ी पत्ता ऑलरेडी ही वो जो है वो बिरयानी में उसकी स्पाइस में कंप्लीट सब कुछ मौजूद होता है, इस वजह से हमें इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। देखें अभी ये ब्राउन हो रहा है, तो हम इसमें भी देखें ब्राउन हो गया है थोड़ा, और हम मज़ीद क्या कर लें। तो
इसमें हम जो टमाटर ये ऐड कर लेंगे, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ी सी वो भी ऐड कर लें। ऐसे थोड़ी सी आप जो सब्ज़ मिर्च है थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं आपने डालनी, थोड़ी सी वो डाल लें। तो देखिए चिकन जो है वो जैसे ही थोड़ा और ब्राउन हो तो फिर आपने इसमें जो है वो गार्लिक एंड जो अदरक है इसकी आपने पेस्ट डाल लेनी है। आप इसको फ्रेश लेके इस तरह से इसको ब्री कर लें, कूट लें। देखिए हमारा चिकन जो है वो ब्राउन हो गया थोड़ा। इससे पहले आपने चिकन को विनेगर डाल के अच्छी तरह से जो है वो धो लेना है, हल्का सा सॉल्ट और विनेगर डाल के, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ना आए। तो अभी जो हमने इसमें जो बिरयानी का मसाला है वो डाल देंगे। देखिए इसमें ऑलरेडी लौंग, सूखा आलू बहारा हर चीज़ है इसमें मौजूद है। इसमें आपको कोई और भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने गार्लिक पेस्ट और ऑनियन जो फ्राई करके ऐसे करना है जैसे अभी आप मैंने किया और आपको मैंने बताया। देखें अगर आपने एक्स्ट्रा थोड़े से वो सूखा आलू बहारा और ऐड करना है, क्योंकि वो जो पैकेट होता है उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा ऐड पीछे कर लेंगे तो वो आपकी और ज़्यादा मज़े की बन जाएगी बिरयानी। और ये थोड़े से लौंग जो है वो थोड़े से और साबुत काली मिर्च थोड़ी सी और, ज़्यादा नहीं। बस अब आपने इसमें जो 1 टी स्पून योगर्ट वो डालनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है सब मसालों की, और चिकन की कितनी ज़बरदस्त बिरयानी स्पाइस की खुशबू आ रही है देखें। और अभी जो हम इसमें बस इसको हल्की सी आंच पे कर देंगे, लाइक मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा, तो उतनी देर में
जो ये है इसके चिकन का सॉफ्ट, चिकन के सॉफ्ट होने का, और जो ये है जब बटर ड्राई हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो, और चिकन सॉफ्ट हो जाएगा तो उतनी देर तक हम जो है वो इसमें राइस डालते हैं। तो फिर जब ये राइस सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं आपने करने, तो फिर हम इनको लग कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अभी हमारा 20-25 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है वो देखें सॉफ्ट हो गया है और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। देखें हमारा जो चिकन का ये इंग्रेडिएंट्स है, ये रेडी है मसाला। तो अभी हम एक बर्तन लेंगे, एक कढ़ाई, और उसके नीचे हमने हल्का सा पहले ऑयल लगाना है। और इसमें हम जो है वो जो राइस हैं हाफ डालेंगे। देखिए ऐसे, और जो हमारा वो चिकन का जो हमने ये रखी है, अभी इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। आपने जो स्पाइसेस में पहले जो ग्रेनी मसाले की डाली है, इसके अलावा जब आप बॉईल वो राइस करने के लिए रखेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने, थोड़े से आपने साहत रहने देने ताकि वो दम में पक सके। और अब जो हमारा जो राइस है लेफ्ट थोड़े से ऊपर, ये हम डालेंगे। इसमें जो है ये लेमन एक लेके आपने इसके पीसेस कर लेने, इस तरह से आपने ऐसे वो डाल लेने और ऐसे। अभी जो ऑयल बचा था वो आपने इसके ऊपर डाल देने। और इसके बाद आपने जो ये जो हरा धनिया है वो आपने डाल लेना। इसमें और अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो भी डाल लें, लेकिन मेरे पास अभी जो फ्रेश पुदीना अवेलेबल नहीं तो मैं थोड़ा सा जो ड्राई है थोड़ा सा वो डालूंगी, क्योंकि पुदीने की इसमें स्मेल बहुत ज़बरदस्त आती है। पुदीना जो है इसमें वो आपने मस्त डालना है और बहुत मज़े का और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसमें लगता है। और अभी हम जो ये ऑरेंज जो फूड का कलर है वो हम थोड़ा सा ऊपर इसके ये डाल देंगे ऐसे।
हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हम 5-10 मिनट के लिए इसको जो है वो दांत पे ऐसे रख देंगे। और जो चूल्हे हम इसको लो पे कर देंगे हीट को। आफ्टर 10 मिनट के बाद हमारा ये जो राइस है ये रेडी हो गए है। देखें, और अब जो है हम इनको देखें कितनी ज़बरदस्त जो ये बिरयानी है, वाह क्या ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू आ रही है, और ऐसी शानदार ज़बरदस्त बन गई है। देखें तो देखें इतनी ज़बरदस्त हमारी जो चिकन बिरयानी ये ब्रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू उनका जो सब मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और इनको लाइक करते हैं, थैंक्स स्पेशल। ओके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ट्रैवल टू हील। ओके दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।